फ्रेंड्स फ्रॉम कैलाश वैली, और बहुत सर्दी है यहाँ पे, मज़ेदार सर्दी है और चाय की तलब हो रही है। और जिस होटल में मैंने स्टे किया है, यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और यहाँ मैंने पानी रख दिया है चाय के लिए, पानी में बॉयल आने वाला है तो मैं इसमें पत्ती ऐड करूँगी। यहाँ मेरे पास मौजूद है लिप्टन दानेदार और मिल्क पैक है, शक्कर है, और हम इसमें सर्व करेंगे कैटल के अंदर। पानी में जो है उबाल आ गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हम बना रहे हैं 4 कप चाय, तो हम यहाँ पे लिप्टन दानेदार के 2 से 3 चम्मच डालेंगे अच्छे से, ताकि अच्छा से कलर और खुशबू आए, है ना। ऐड कर देंगे शुगर साथ में। अगर आपको शुगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डालें, अदरवाइज़ हर भी बनशा। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल। अच्छा जी, अब जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है पत्ती और चीनी, और ये जब अच्छे से पक जाएगी, एक अच्छे से कलर इसमें आ जाएगा, तो हम इसमें शामिल कर देंगे मिल्क पैक 1 कप के बराबर। फ्रेंड्स, चाय को और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई 4 से 5 अदद इलायचियाँ। इससे चाय का जो है जायका दुबाला हो जाता है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमारी चाय पक रही है, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से स्टोव की मदद से इसको ऊपर नीचे करना है। थोड़ी देर इसको इस तरह करेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। ठीक है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चाय अच्छे से पक रही है और इसमें शामिल करेंगे। इसको सिर्फ 5 मिनट में पकाऊंगी, इस तरह से करूंगी। फिर आपको सर्व करके बता दूंगी। फ्रेंड्स, चाय तैयार है और हम इसको अब निकाल रहे हैं कप में। बहुत मज़ेदार इलायची की खुशबू आ रही है। इलायची आप थोड़ा पहले भी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, चाय गर्मा गर्म तैयार है और इसको इसी तरह बनाएगा पत्ती और चीनी डाल के पहले, और साथ में इलायची भी शामिल कर दीजिएगा। इसको अच्छे से पका के फिर इसमें दूध शामिल कीजिएगा, और दूध डाल के भी थोड़ा पकाना है। और अब ये तैयार है चाय।